नमस्कार दोस्तों मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है एंड वेलकम और वेलकम बैक टू ब्रेन क्राश मैथ्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे बी एम एस और बी एच एम एस दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों में से कौन सा कोर्स बेटर रहेगा आपके लिए ये आप शायद वीडियो के एंड तक इन पॉइंट्स के बेसिस पर समझ पाएंगे और तय कर पाएंगे तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड तो यहाँ पर मैंने uh, differentiate करने के लिए कुछ किए हैं जो कि आप लोगों ने most frequently comment section में पूछे थे हर एक point का जवाब देना comment section में is not an easy task. हम ये वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो में हम वो सारे पॉइंट भी डिस्कस करेंगे और बी और बी का डिफरेंस भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बी और बी में डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ इट्स फुल फॉर्म तो अगर हम बी एम एस की बात करें तो बी एम एस की फुल फॉर्म होती है बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी इसमें आप आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं ऑन दी अदर हैंड बी एच एम एस की फुल फॉर्म होती है बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी इसमें आप होम्योपैथी के बारे में पढ़ते हैं दोनों का जो कोर्स है पीरियड है टाइम पीरियड वो सेम है दोनों साढ़े पाँच साल के हैं फाइव ईयरस इन सिक्स मंथ्स और दोनों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी सेम है यानी कि आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए एज योर कोर्स सब्जेक्ट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बोर्ड्स में आपने एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट और मोर स्कोर करना चाहिए क्योंकि ये नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप फिफ्टी परसेंट या उससे कम स्कोर करते हैं तो आप नीट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से एलिजिबल नहीं होंगे और बी और बी दोनों में ही नीट के थ्रू एडमिशन होता है तो ये जरूरी है कि आपके 50 प्रतिशत या फिर उससे ज्यादा मार्क्स आए हो अपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बोर्ड्स में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं भले ही वो बी हो या बी हो तो आपको उस कॉलेज का कट ऑफ क्लियर करना होगा अब ये बहुत वास्ट टॉपिक है इसके ऊपर हम आगे चलकर वीडियोस बनाएंगे हर कॉलेज का कट ऑफ अलग होता है ऑन दी अदर हैंड अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कट ऑफ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो नीट के क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं अराउंड 147 150 अगर आप उतने भी लाते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा तो उसमें कट ऑफ की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो दोनों सिस्टम ऑफ मेडिसिन है बी एम एस एंड बी एच एम एस ये आयुष के अंदर आते हैं आयुष इज आयुर्वेदा फॉर योगा नानी एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी तो आयुर्वेदा भी और होम्योपैथी भी आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर आते हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बी एम एस करें या बी एच एम एस करें दोनों कोर्सेस करने के बाद आप डॉक्टर यूज कर सकते हैं एज अ प्रीफिक्स कुछ लोग जो होम्योपैथी करते हैं वो प्रेफर करते हैं अपने प्रीफिक्स में होम्योपैथ का इस्तेमाल करना और कुछ लोग जो आयुर्वेदा करते हैं वो प्रेफर करते हैं अपने प्रीफिक्स में वैद्य का इस्तेमाल करना तो इट इज अप टू यू ये आपकी पर्सनल चॉइस है और आप बिल्कुल डॉक्टर प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद ये जानना जरूरी है कि ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन ओरिजिनेट कहाँ से हुए और स्टार्ट किसने किए तो जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं हम सब जानते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है आयुर्वेदा तो इसकी शुरुआत इंडिया से हुई और इंडिया में भी इट वॉज स्टार्टेड विद हु वॉज द फिजिशियन टू द गॉड्स एंड ही रिसीव्ड दिस फ्रॉम ब्रह्मा ऑन दी अदर हैंड जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो होम्योपैथी इज नॉट एट ऑल एन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी का जो ओरिजिनेशन है वो जर्मनी से हुआ है तो जो फादर ऑफ होम्योपैथी है वो है मास्टर सैम्यूल हैनीमन, जो कि पहले एक एलोपैथ थे बट उस समय जो सर्जिकल प्रैक्टिस थी वो बहुत ही ज्यादा हार्श थी क्रूअल थी जो कि उनको उतनी पसंद नहीं थी जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि हम एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाते हैं जिसमें ये क्रूअल सर्जिकल नहीं होंगी और इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन का नाम उन्होंने दिया होम्योपैथी तो इसी तरह से हमारा होम्योपैथी का इजाद हुआ उसके बाद जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो इसमें जो मीडियम है जो मीडियम में आप होम्योपैथी पढ़ेंगे जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वो मीडियम है इंग्लिश ऑन दी अदर हैंड आयुर्वेदा का जो मीडियम है वो है संस्कृत मोर संस्कृतेंटली एंड हिंदी तो अब इसमें बच्चों का ये डाउट होता है कि क्या हमें संस्कृत आना जरूरी है अगर हम आयुर्वेदा करना चाहते हैं बी एम एस करना चाहते हैं तो और अगर हमें संस्कृत नहीं आती है तो क्या हम एलिजिबल नहीं है ये करने के लिए तो देखिए मेरे जितने भी स्टूडेंट से बात हुई है जो कि बी एम एस कर रहे हैं या कर चुके हैं उन्होंने यही कहा है कि संस्कृत पूरी अच्छे तरीके से तो किसी भी स्टूडेंट को नहीं आती है बट हाँ ऐसा जरूर है कि आपको संस्कृत का बेसिक पता होना चाहिए और हम एट स्टैंडर्ड तक तो संस्कृत पढ़ते ही हैं तो संस्कृत का बेस पता होना जरूरी है अगर आप बी करना चाहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कंफर्टेबल होने चाहिए संस्कृत पढ़ने में क्योंकि संस्कृत आपने आगे आने वाले अपने साढ़े पाँच साल पढ़ने ही पढ़नी है क्योंकि आयुर्वेदा में जितनी भी स्टडी uh, मटेरियल है जितना भी आपने पढ़ना है वो आपने श्लोक की फॉर्म में पढ़ना है संस्कृत में अब उन श्लोक का ट्रांसलेशन आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी कर सकते हैं सब टू यू बट आप कंफर्टेबल होने चाहिए संस्कृत पढ़ने में अगर आप बी एम एस ऑफ कर रहे हैं ऑन दी अदर हैंड बी एच एम एस में सारा सब कुछ इंग्लिश में है तो उस चीज की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की तो देखिए सब्जेक्ट्स में वो चाहे बी एम एस हो चाहे वो बी एच एम एस हो दोनों में ही आप इलीट सब्जेक्ट पढ़ते हैं जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ ऑप्था उसी के साथ अब आप एक अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन कर रहे हैं तो आयुर्वेदा में आपको आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होंगे इन इलीट सब्जेक्ट के साथ ऑन दी अदर हैंड होम्योपैथी में भी आपको इन सब्जेक्ट्स के साथ होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे अब ये बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन हो जाएगी अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी डिस्कस करने लगेंगे बट हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अपने अलग सब्जेक्ट होते हैं उनकी फार्माकोलॉजी अलग होती है उनके बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अलग होते हैं इसीलिए इन सब्जेक्ट्स का पढ़ना भी इलीट सब्जेक्ट्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है इस क्वेश्चन में वो है कि क्या हम बी एम एस बी एच एम एस करने के बाद सर्जरी कर सकते हैं या नहीं तो देखिए इसका जवाब बहुत ही सिंपल है अगर आप बी एच एम एस कर रहे हैं तो आप सर्जरी नहीं कर सकते हैं अब आप में से कुछ लोग तो बता चुकी हूँ कि जो ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन था होम्योपैथी इसको जो शुरू किया था मास्टर सैम्यूल ने उन्होंने इसीलिए इसे शुरू किया था कि उस टाइम की जो सर्जिकल प्रैक्टिस थी वो बहुत ज्यादा क्रूअल थी उन्हें वो प्रैक्टिस uh, वो उनको अप्रिशिएट नहीं करते थे इसकी वजह से ये सिस्टम शुरू हुआ जिसमें किसी भी तरह के सर्जिकल प्रैक्टिस नहीं होंगी इसीलिए आप होम्योपैथी में सर्जरी नहीं कर सकते हैं ऑन दी अदर हैंड अगर आप आयुर्वेदा को देखेंगे तो आयुर्वेदा में आप सर्जरी कर सकते हैं बट माइनर सर्जरी कर सकते हैं माइनर सर्जरीज में क्या आ जाता है जैसे सीबेश मोल्स इन सब की सर्जरी अगर आप uh, आयुर्वेदा करते हैं तो कर सकते हैं तो हम बात करते हैं इंटर्नशिप की तो इंटर्नशिप सेम दोनों में एक एक साल की होती है और इंटर्नशिप के दौरान दोनों ही कोर्सेज में बी एम एस हो या बी एच एम एस हो स्टाइपेंड मिलता है अब स्टाइपेंड जो मिलता है ये डिपेंड करता है कॉलेज पर अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बी एम एस बी एच एम एस करते हैं तो और वो कॉलेज दिल्ली का है तो अराउंड ट्वेंटी थ्री फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फोर थाउजेंड पर मंथ का स्टाइपेंड आपको मिलेगा और अगर आप किसी स्टेट कॉलेज से बी एम एस या बी एच एम एस करते हैं तो वहाँ पर स्टाइपेंड वैरी कर सकता है कम भी हो सकता है पर स्टाइपेंड मिलेगा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं ऑन दी अदर हैंड अगर आप बी एच एम एस या बी एम एस किसी भी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में तो स्टाइपेंड नहीं मिलता है कुछ कॉलेज में स्टाइपेंड मिलता है तो इट इज़ अराउंड वन थाउजेंड टू नॉट मोर देन फाइव थाउजेंड अ मंथ और वो भी कुछ ही कॉलेजेस जो हैं प्राइवेट वो आपको साइपन देते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है बहुत ही फ्रीकेंटली पूछा जाता है कि क्या डायसेक्शन होता है आयुर्वेदा में या होम्योपैथी में तो देखिये होम्योपैथी में सर्जरी तो नहीं है बट सब्जेक्ट जरूर है जैसे इनोटमी फिजियोलॉजी सर्जरी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं होम्योपैथी में तो होम्योपैथी में भी डायसेक्शन होता है और आयुर्वेदा में भी डायसेक्शन होता है और दोनों में ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं यानी कि एम मास्टर्स तो दोनों के सब्जेक्ट्स बहुत अलग हैं और मास्टर्स दोनों में अवेलेबल है बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी मास्टर्स अवेलेबल है जिसमें आपको अगेन काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड मिलता है और प्राइवेट कॉलेजेस में भी मास्टर्स जो है अवेलेबल है अगेन उसमें स्टाइपेंड उतना अच्छा नहीं मिलता है ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही ना मिले या फिर कम मिले उसके बाद ये सवाल आता है हमारे मन में कि अगर हम बी एम एस करते हैं आयुर्वेदा करते हैं तो क्या हम एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं एलोपैथिक मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हैं तो देखिए लीगली तो आप नहीं कर सकते हैं बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कि एलोपैथिक मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं तो लीगली अगर आपने सिर्फ बी किया है एम किया है आप एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं एंड सेम विद बीएचएमएस बीएचएमएस करने के बाद भी आप एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ अगर आप अपने बीएएमएस या बीएचएमएस के बाद कोई ब्रिज कोर्स कर लेते हैं जैसे सीएमएस एम एक्ट्रा तो आप एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन उस एलोपैथिक प्रैक्टिस में भी आप कुछ चुनिंदा ड्रग्स ही दे सकते हैं कुछ लिस्ट ऑफ रेमेडीज होती हैं जिनको आप दे सकते हैं उसके अलावा आप ड्रग्स अपनी मनपसंद की अपने मन के हिसाब से नहीं दे सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस की अगर आप बी एच एम एस कर रहे हैं या बी एम एस कर रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो तेरह से पंद्रह लाख तक रहने वाली है फॉर फाइव ईयर्स और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस तो हम जानते हैं वो कम होती है बट वो स्टेट के साथ वैरी करती है ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस दिल्ली में तो अगर हम बीएचएमएस की बात करें तो डीयू का एक ही कॉलेज है दिल्ली uh, में जो कि है नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो दूसरा कॉलेज है वो है आईपी यूनिवर्सिटी का जिसका नाम है डॉक्टर बी आ सू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दूसरी तरफ अगर हम बी एम एस से कॉलेज की बात करें तो बी एम एस का भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो एक ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिल्ली में जो कि है टिबिया कॉलेज और अगर हम आई पी यूनिवर्सिटी के कॉलेज की बात करें तो वो भी एक ही है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संहिता फिर तो हम स्कोप की बात करें तो दोनों का स्कोप बहुत अच्छा है इसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं आप एमओ के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं आप रिसर्च कर सकते हैं और बहुत कुछ तो आई होप आप सभी के जितने भी डाउट्स होंगे बी और बी को लेकर वो इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे कुछ डिफरेंसेस आपको पता चले होंगे आपके हिसाब से अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप दोनों में से कौन सी चीज करना चाहते हैं आगे चलकर हम बात करेंगे डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में हम डिफरेंट कॉलेजेस से कंपैरिजन को देखने की कोशिश करेंगे तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप दिस हेल्प्स